पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में भगवान महाकाल से आशीर्वाद मांगा। कमलनाथ ने शिवराज सिंह की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सौदे से सरकार बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, अब सौदे से विभाग भी बटेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद हम सबको मिले, प्रदेश को मिले, ताकि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए आज मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करने आया हूँ। कमलनाथ ने शिवराज मंत्रिमंडल के प्रश्न पर कहा, सौदे से सरकार बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, अब सौदे से विभाग भी बटेंगे। महाकाल मुरली जी बांध दे बेटा, आशीर्वाद मुझे मिले, पार्टी को मिले, प्रदेश को मिले, ताकि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, यही मेरी प्रार्थना आज महाकाल में। चुनाव तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो संकलाप तो चलता रहता है, पर ये मेरी इच्छा थी कि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मैं यहाँ आऊँ और आशीर्वाद दूँ। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बने, ये प्रदेश का हाल है। प्रदेश की जनता इसकी गवाह है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।